मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बैक पेन पे एक्यूप्रेशर के बारे में बताया था कि आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं दबाव देने से आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो मेरे दोस्तों के कई सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर सर्वाइकल पे के बारे में वीडियो बनाए, तो मैं आज सर्वाइकल के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्या होती है और ये कैसे ठीक की जा सकती है। तो सर्वाइकल में जो अपनी प्रॉब्लम होती है वो C1 से C वर्टिब्राज होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है जो अपने नेक में या पीछे की साइड स्पाइनल कोड में स्टार्टिंग से ही शुरू होती है। तो ज्यादातर अपनी जो सर्वाइकल होती है वो कई कारण से हो सकती है। तो सर्वाइकल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो कई प्रॉब्लम होती है, सीटिंग में भी होती है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अपन सर्वाइकल के बारे में बात करें तो सर्वाइकल क्यों होती है। तो सर्वाइकल जो अपनी C1 से C7 की प्रॉब्लम होती है, तो इसको ये होती है कि जब अपन ज्यादातर फोन चलाते हैं, तो फोन चलाते अपन गर्दन झुका के फोन चलाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है एक। और फिर अपनी दूसरी, जैसे अपन जिम में एक्सरसाइज करते हैं, तो जिम में एक्सरसाइज करते हुए अपने क्या करते हैं, ज्यादा भारी वजन उठा लेते हैं, तो भी आपको हल्का सा क्रेम मसल्स में क्रेम आ सकता है। तो वो भी आप अपना ध्यान रखें जिम में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो आप जैसे कहीं जो मजदूर लोग हैं या किसान लोग हैं, तो वो ज्यादा अपना कुछ वजन उठा के सर पे रख के लेके आते हैं, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी मसल्स में खिंचाव आ सकता है, क्रेम हो सकता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो कि उनसे कैसे बचा जाए, उनका क्या होना चाहिए। जैसे आप क्या होता है सर्वाइकल में, जो अपने कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो अपनी गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन इधर से उधर नहीं होती, और अपनी जो हाथ पैर और ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं, हाथ पैरों की मसल्स कमजोर रहती है, अपने कंधे कमजोर हो जाते हैं। तो ये सर्वाइकल की मेन प्रॉब्लम होती है, ये कारण होते हैं सर्वाइकल के। जैसे अपन सर्वाइकल में क्या होता है, एक मेन कारण ये भी होता है कि अपने जो मूत्राशय और आंतों में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो अपन ज्यादातर तब पता चलना है कि अपन को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अपन योगा में, इसमें योगा के थ्रू आसन और जैसे एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, इसमें आयुर्वेदिक उपचार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होता है, जो अपना थम्स होता है, जो दोनों हैंड्स होते हैं, इन हैंड्स में भी जो आपका ये जो थ्री पार्ट्स होते हैं थम्स में, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो मिडिल पॉइंट होता है, जब अपन इसको मोड़ेंगे तो मिडिल पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अपन अपने जिम्मी या पेन से जो भी आपके पास है उससे अपन प्रेस करेंगे, हल्का सा दबाव देंगे, तो अपने ये सीधा इफेक्ट अपने सर्वाइकल पे करेगा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट में आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा और इसके एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। आप 1 मिनट 2 मिनट तक इसको प्रेस कीजिए, दोनों हाथों में कर सकते हो इसको मोड़ के, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इस एक्यूप्रेशर को अपने घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, आप वीडियो को देखें उसके बाद ही करें। ये वाले जो आपको पॉइंट्स होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये सर्वाइकल के लिए होता है। और एक ये दूसरा पॉइंट होता है, जो अपना ये थंब है उसके टॉप से नीचे जो मिडल है वहां पे हल्का सा ये प्रेस करना होता है, ऐसे ऐसे 1 मिनट तक प्रेस करें, ये सर्वाइकल का पॉइंट होता है। ऊपर हेडेक का पॉइंट होता है, नीचे जो ये अपना सर्वाइकल का पॉइंट होता है, इसको प्रेस करें 1 मिनट तक। तो ये हो गया अपने एक्यूप्रेशर की बात। अब हम बात करेंगे आसनों की। तो आसन में सबसे पहले आसन होते हैं, सूक्ष्म एक्सरसाइज होती है इसमें। तो जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें सूक्ष्म एक्सरसाइज ही करनी होती है जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो वो आसन में लेट के भी आसन कर सकते हैं। तो अपन सूक्ष्म एक्सरसाइज की सबसे पहले बात करते हैं। तो सूक्ष्म एक्सरसाइज में सबसे पहले अपन एक्सरसाइज करते हैं जो नेक, जो गर्दन होती ना, ऐसे बहुत सारे वीडियो होंगे जिसमें एक्सरसाइज बताई हुई है। तो अपन नेक को कैसे क्या मूवमेंट्स करनी होती है, तो नेक को ज्यादा आगे नहीं झुकाना होता है, क्योंकि अपन सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है तो अपन आगे नहीं झुका सकते। तो ब्रीदिंग के साथ आपको आसन की सूक्ष्म एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी गर्दन को सेंटर में रखिए, सेंटर में रखने के बाद हल्के से आप सांस लेते हुए इनहेल करते हुए पीछे ले जाइए और इसको 30 सेकंड तक होल्ड रखिए और ऊपर की तरफ देखिए, उसको आप स्ट्रेच कीजिए, फील कीजिए कि आपकी नेक थोड़ी ठीक हो रही है। अब उसके बाद में आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर में आइए, और सेंटर में आने के बाद पूरा नीचे नहीं आना, और आप एक्सहेल करते हुए राइट साइड में अपनी नेक को लेकर जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में। इसके बाद यहाँ पे भी आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे या 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर आप इसको वापस सेंटर में लेकर आएंगे, फिर आप इसको सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, इसको 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर आप इनहेल करते हुए सांस लेते हुए सेंटर में लेकर आ जाएंगे। इसको आपको कम से कम 3 बार या 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है।
हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करेंगे, दूसरे सूक्ष्म एक्सरसाइज होगी जो अपनी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे सांस लेते हुए और अपने मुट्ठियों को बंद कर देंगे। मुट्ठियों को बंद करने के एक साथ में कर सकते हैं और उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो साथ में करके इसको रोटेट करना, आप ब्रीदिंग करते हुए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए इसको रोटेट करेंगे। आप इसको अपनी हाथों को सीधा रखना है, अपनी कोहनियों को सीधी करनी है, इसको सांसों के साथ करना है, ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है। आपकी ब्रीदिंग अच्छे से होनी चाहिए और आप फ्रंट में देखेंगे, आप इधर उधर नहीं देखेंगे। फिर आप हल्के से उल्टी साइड से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसमें आपको 30 सेकंड भी कर सकते हैं, आप इसको 30 बार भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट करना। तो ये आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है तो भी ठीक करेगा। तो आप इसको फिर रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इसके बाद अपनी थर्ड एक्सरसाइज होती है, ये सूक्ष्म एक्सरसाइज करनी होती है सर्वाइकल प्रॉब्लम में, क्योंकि ये सीधा इफेक्ट अपनी सर्वाइकल पे करती है। अब अपना तीसरी एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाने के बाद अपन दोनों हाथों को अंगुलियों को आपस में फंसा लेंगे या ग्रेबियो फिंगर कर देंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपन पीछे लेकर जाएंगे और पीछे अपनी नेक को टाइट रखना, पीछे की साइड रखना, आगे झुका के नहीं रखना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब आप लोग आप एक्सहेल करते हुए दोनों कोहनियों को साथ में करेंगे और इनहेल करते हुए सांस लेते हुए आप वापस अपनी दोनों कोहनियों को फैलाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों को वापस मिलाएंगे और सांस लेते हुए आप दोनों कोहनियों को फैलाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस अपनी दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे और सांस लेते हुए अपनी दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों को वापस कोहनियों को साथ में मिलाएंगे। इस तरह की एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू 1 मिनट 1 मिनट तक करनी है और 5 बार करनी है। तो इससे आप फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे। ये सूक्ष्म एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल में बहुत फायदा करेगी। जैसे सर्वाइकल के साथ आपको हल्का सा शोल्डर पेन भी हो रहा, तो सर्वाइकल में जैसे C7 की प्रॉब्लम होती है, तो आप शोल्डर को रोटेशन की एक्सरसाइज होती है नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज। इसमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अपने जो हथेली को ऊपर करना है, अब दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे और अब जो अपनी अंगुलियां है अंगुलियों को अपने कंधों पर रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, अपने शोल्डर को रोटेशन करना है, घुमाना है, 10 बार क्लॉकवाइज करना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, सीधा और उल्टा घुमाना है। तो सांसों के साथ करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है। तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी सर्वाइकल एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ये सूक्ष्म एक्सरसाइज है। तो अपन इससे सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना ये शोल्डर इस तरह की स्थिति रखेंगे, इसके बाद आप इनहेल करते हुए पूरे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी कोहनियों को मिलाएंगे। ये क्लॉकवाइज हो गया, सीधी तरफ रोटेट करना 10 बार। इसको अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी फोकस अपनी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान अपनी कंधे के रोटेशन घुमाने के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और हो। तो इसको आपको 10 बार या 20 बार इसको करना है। इसके बाद वापस आप उल्टी साइड विपरीत करना है 10 बार, अपनी सांसों के साथ करना है। आपकी सांसों का आपको ध्यान होना चाहिए, ये इस तरीके से करना चाहिए। गलत पोस्चर नहीं होनी चाहिए, गलत सूक्ष्म एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को नीचे करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये आप 20 सेकंड और 20 बार कर सकते हो। तो इससे आपको सर्वाइकल में बहुत फायदा होगा। तो ये एक्सरसाइज होती है नॉर्मल सूक्ष्म एक्सरसाइज। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है। जैसे अपन क्या करते हैं कि अपनी नेक में प्रॉब्लम होती तो अपने सोने का तरीका भी सही होना चाहिए, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबसे पहले लास्ट एक्सरसाइज में क्या करते हैं, अपन लेट जाते हैं। लेटने के बाद अपने जो गद्दा होना चाहिए, तख्ता होना चाहिए, और अपनी आप लेटने के बाद अपनी गर्दन हल्की सी लटका देंगे ऐसे नीचे की तरफ। इसको आप 1 मिनट तक रोक के रखनी है। इसकी पूरी गर्दन आपकी लटकी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सर्वाइकल में बहुत फायदेमंद होती है ये एक्सरसाइज, और इसमें बहुत बेनिफिट्स होता है। तो आप इस एक्सरसाइज को आप 5 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 5 डेज आप इसको 1 मिनट तक करना है, फिर इसको 5 मिनट तक होल्ड रखना है, और इस एक्सरसाइज के बाद आप धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने सर को ऊपर करेंगे, ज्यादा झटके से नहीं, धीरे धीरे, और राइट टर्न लेते हुए वापस बैठ जाएंगे। दोस्तों अब हम आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करेंगे कि अपन जैसे किसी के पास टाइम नहीं हो, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके पास टाइम नहीं होता, तो आयुर्वेदिक औषधियों से भी वो अपनी सर्वाइकल को बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियों में क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो 3 औषधियां होती है उनको मिक्स करना होता है, गोखरू, आसगंध और गोंद कुंदरू। इन 3 औषधियों को लेना और 3 औषधियों को पाउडर बना के, इन 3 औषधियों का पाउडर मिक्स करके
आपको रख देना है। फिर इनको क्या करना है, दूध के साथ सुबह शाम आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 20 ग्राम या 30 ग्राम इनको दूध में मिला देना है। और आपको पाउडर, मतलब ये पाउडर होता है जड़ी बूटियों का होता है तो आप ले नहीं सकते डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, इसको आप गर्म पानी में डाल के हल्का सा गुनगुना करके उसको छान के भी ले सकते हो। और इसमें आपको ज्यादा टेस्ट बनाना, थोड़ा सा हनी शहद मिला सकते हो और इसको सुबह शाम लेनी है इस औषधि को। अपन अब बात करते हैं जो टेबलेट है, इसमें एक टेबलेट भी आती है सिंहनाद घुघलू, मैं आपको दूसरी बार रिपीट करता हूँ, सिंहनाद घुघलू, ये टेबलेट आपको सुबह शाम दो दो टेबलेट लेनी है। इससे भी आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है और ये जो आयुर्वेदिक औषधि होती है ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे आप क्या करते हो, इसमें जो अपनी सर्वाइकल की होती है जो प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी सी ये अकड़ जाती है गर्दन, तो मालिश भी कर सकते हैं। तो मालिश में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक औषधि में महानारायण तेल की, तो महानारायण तेल यूज कर सकते हैं, उससे मालिश कर सकते हो। फिर अपन बात करते हैं घी, जो अपना शुद्ध देसी घी होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा घी लेना है आपको, उस घी में आपको दो तीन लहसुन की कुलियां लेनी है और उस कुलियों को छोटी छोटी करके और उसमें ऑयल घी में डाल के हल्का सा गर्म करके, फिर थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा करके, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उससे भी आप 2 मिनट तक मालिश करोगे, 2-5 मिनट तक, तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, आप किसी से भी मालिश करा सकते हो तो भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो, यूज कर सकते हो, ये है आपकी आयुर्वेदिक औषधि। तो आयुर्वेदिक औषधियों से भी आप अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, पूरी जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और मैं आगे और अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा वीडियो आगे नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।